देखिए, हम लोगों के इलेक्शन के संबंध में लगातार हमारी चेकिंग और अभियान के रूप में जो हम लोगों ने बाकी थानों पे भी आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल और चोरों के प्रति अभियान चला रखा है, उसी क्रम में आज थाना लंका को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें 3 शातिर किस्म के जो अपराधी हैं इनको पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुई टोटल 15 बाइकें जो मिली हैं और इनके ऊपर कई जगह थानों पर मुकदमे अलग से भी लिखे हुए हैं। ये तीनों ही रहने वाले हैं, आसपास के ही हैं जो बाइकें चुराते थे थाना लंका से, सिगरा से और इधर रामनगर की तरफ से, चितईपुर की तरफ से बाइकें चुराते थे और ये ले जाके इसको बिहार के रिमोट क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बेच के वहाँ से पैसा कमाते थे। इन तीनों के पकड़े जाने से काफ़ी राहत मिलेगी। जो बाइकें हमारी जो 15 बरामद हुई हैं उसमें 8 पे मुकदमे भी लिखे गए हैं। हम और भी ट्रेस करा रहे हैं कि इनके द्वारा कहीं और भी क्षेत्रों में अगर मुकदमे बाइक चोरी की गई है तो उसको भी हम लोग निकलवाएंगे और कोशिश ये करेंगे इनको भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले लें ताकि और गहनता से पूछताछ की जा सके। इनका कोई गिरोह है, कोई बड़ा गिरोह चल रहा है? देखिए, पूरा बिल्कुल नेक्सस है। ये 3 लोग हैं, संजय शंखवार, कन्हैया सिंह और दीपक कुमार। इसमें 1-2 लोग अभी और भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि ये कहाँ जहाँ बेचते थे उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और ये भी कोशिश की जाएगी कि इनके पास से और भी बाइकें बरामद हों, क्योंकि तीनों के पास से तमंचे भी बरामद हुए तो ये भी हम लोग इनसे जानकारी कर रहे हैं क्या कहीं लूट वगैरह में भी तो इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और भी डिटेल पूछताछ की जाएगी। जो पूरी टीम ने गुड वर्क किया उसको माननीय पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से BCR का इनाम भी घोषित किया गया। चोरी करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? चोरी करने का जो उद्देश्य जो अभी तक समझ में आया, ग्रामीण क्षेत्रों में ले आके इसको बाइक को बेच देना और उससे पैसा अर्जित करना।